ये तो चलो मैनेज कर लेंगे, वो गर्लफ्रेंड वाला है ना, तुमसे बात नहीं हो पा रही है। सब बस बेटा, बहुत बड़ी। व्हाट्सएप नहीं चल रहा, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, अरे आजकल स्नैप और चल गया। कि जब भी हो फोन पे, गूगल पे और कैश रखने की आदत नहीं है, एटीएम से निकालते नहीं है, तो बहुत दिक्कत आ रही है। इवन पेमेंट कर रहा है, कोई उसके पास कैश नहीं है, वो बोल रहा है रख दो, मैं शाम को आ जाऊंगा, जब नेट आ जाए तब लेके जाऊंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल लेकर। गाइस, डिजिटलाइजेशन का जमाना है। आपके सुबह उठने से लेके हर छोटी से बड़ी जरूरत का सामान का जो पेमेंट होता है वो डिजिटल होता है। ऐसे में सोचिए कि अगर एक दो दिन के लिए इंटरनेट सुविधाएं बंद हो जाए तो आपका क्या हाल हो। आप कैश दे देते? अरे कैश कहाँ से लाऊं, गया यार, कैश ही नहीं मेरे पास। कुछ इस तरह। चलिए चलते हैं और यूथ से जानते हैं कि उनको इंटरनेट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आपका क्या नाम है? सब में आपको क्या दिक्कत हो रही है? इंटरनेट चार पाँच दो चार दिन से बंद है, उसको लेके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे। ये तो चलो मैनेज कर लेंगे, वो गर्लफ्रेंड वाला है ना, उनसे बात नहीं हो पा रही है। व्हाट्सएप नहीं चल रहा, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, अरे आजकल स्नैप और चल गया, तो स्नैप भी नहीं चल रहा। तो ऐसे प्रॉब्लम है। पढ़ाई में इशूज आते हैं ज़्यादातर, तो अपना और चीज़ों को देखा जाए तो जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, अपना दोस्त यारों से बात नहीं कर पाते, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता अच्छे लेवल तक का लेकर के, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जयपुर से हो या यहीं से हो? मैं जयपुर से ही हूँ। ट्रांसपोर्ट वगैरह में हाँ, पेमेंट का इशू आ जाता है उनके साथ, और अगर उनको बोला जाता है कि आप हमारी हम बाद में कर देते हैं आपको, तो फिर भी नहीं कर पाते, मना कर देते हैं उन चीज़ों के लिए, या तो आप हमारे को हमें पेमेंट दे दीजिए, या तो हैंड टू हैंड दे दीजिए, नहीं तो यहीं खड़े रहेंगे हम, जाएंगे तो है नहीं यहाँ से, कुछ भी कर लो आप। हमारी तो ज़िंदगी अधूरी हो गई यार इंटरनेट के बिना, और कैब वगैरह बुक नहीं कर पा रहे हैं, डिलीवरी इशूज़, और अभी इस मार्केट में शिल्पग्राम में मैं आया हुआ हूँ कोविड से बाद, तो अब दो दिन से जब से एग्ज़ाम और क्या है कटौती हुई है जो इंटरनेट की, इसके कारण दो दिन से अब आदत हो गई है कि जब भी हो फोन पे, गूगल पे और कैश रखने की आदत नहीं है, एटीएम से निकालते नहीं है, तो बहुत दिक्कत आ रही है। इवन बार्गेनिंग करने में, जो हम इंडियन मेंटेलिटी है कि बार्गेन करते हैं, तो वो भी एक दिक्कत आ रही है कि बार्गेन करते हुए और पे नहीं हो पा रहा है, तो बहुत बड़ी समस्या है। और कोई एक एग्ज़ाम के कारण या किसी और के कारण पूरा नहीं रोकना चाहिए, और एक गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चीज़ें चलाते रहनी चाहिए, पर साइड बाय साइड कोई और तामझाम निकाल, ऐसे तो बहुत एग्ज़ाम आगे भी होंगे, पर उसका ये मतलब नहीं आप सबको एक धरातल पर रोक दो। तो यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिनका बिजनेस है सेटअप किया हुआ है, उनको भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, खासकर जो लोग बाहर से आ रखे हैं, ओला उबर जैसी सुविधाएं हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा अब पर्यटन है, जैसे अब एकदम से पर्यटन उठा है, इंडियन टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे संडे, तो अजमेर दिल्ली आगरा से, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, इसका हल निकालना चाहिए, पर इंटरनेट बंद करके नहीं। अच्छा, अगर ऐसा हुआ है कि नेट बंद है, आप लोगों ने फेयर में शॉप्स लगा रखी है, और कोई कस्टमर आए और सडनली उसको याद आए कि इंटरनेट बंद है, और उसने सारा सामान पैक करा लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है अभी? अभी जो हो रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, जो हो रहा है तो सही है, एग्जाम चल रहा है, इसमें गलत कुछ बात नहीं है। ऐसा हाल ही में हुआ था, मेरे गांव में भी हुआ था, जो कस्टमर आ रहा था सिवर नेट ऑफ था, वो कुछ बात नहीं है, इसमें कुछ दिक्कत भी नहीं है, सही है, एग्जाम चल रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है, जो आज नहीं हो रहा है कल हो जाएगा फिर से, वो आज थोड़ा नुकसान हो रहा है, वो कोई बात नहीं है, दोबारा हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोचें कि अगर बिजनेस की बात करें तो उसमें बिजनेस में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लोग डिपेंड हो गए हैं डिजिटल पेमेंट पे। डिजिटल पेमेंट हो रहा है तो कुछ क्या बोलूँ, पेमेंट कर रहा है, कोई उसके पास कैश नहीं है, वो बोल रहा है रख दो, मैं शाम को आ जाऊँगा, जब नेट आ जाए तब लेके जाऊँगा। अब जिसके पास कैश होता है वो थोड़ा सा दे के चला जाता है, कैश रख के चला जाता है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है, सो सही है, एग्जाम चल रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो राकेश जी, आजकल डिजिटल का ज़माना है, लोग अपने पैसे बंद कर दिया है रखना और मोबाइल से ही है ना पेमेंट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि नेट बंदी के कारण इस पे कितना इंपैक्ट पड़ा है? लोग बाग पैसे रखना बंद कर दिए हैं, और जैसे कई अनपढ़ है तो वो अनपढ़ की वजह से
नेट बैंकिंग का काम नहीं कर सकते, और मैंने भी इमरजेंसी के लिए ये लगा रखा है खाली, बाकी मैं कैश पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। नहीं, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि इसके और भी विकल्प मौजूद हैं कि पेपर जनरली क्या है, या तो स्कूल से आउट होता है या जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम जो रखा जाता है वहाँ होता है, तो अगर वहाँ की व्यवस्था बढ़ा दी जाए, सुरक्षा व्यवस्था, तो इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई समाधान नहीं है, क्योंकि इसके बावजूद भी पेपर आउट हुए हैं, तो ये चीज़ तो गलत साबित हो चुकी है कि नेटबंदी के बावजूद भी आउट होते ही हैं पेपर। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग रूम और एक स्कूल जहाँ पे पेपर होता है, वहाँ पे टाइम से और पूरी सुरक्षा के साथ में अगर उसको भेजा जाए तो वहाँ आउट होने की संभावना कम से कम होगी। तो पूरे देश में जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पे है जहां सबसे ज़्यादा नेट बंदी के जो मामले हैं वो देखे गए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ पेपर लीक मामले में नेट बंदी कर देना ही एकमात्र सॉल्यूशन है? सोचिएगा ज़रूर।